हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ का जो चैप्टर नंबर टू पॉलिनॉमियल्स है उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा। स्टूडेंट्स, क्या है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसके दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, देन हमें वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक नोट बताता हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए, अगर हमारे पास पी एक्स एक पॉलिनॉमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर अल्फा और बीटा इसके क्या हों, जीरोज हों, तो देन स्टूडेंट्स आप में जीरोज और कॉफिशेंट के बीच में रिलेशन पड़ी हुई है। उसमें जो पहली रिलेशन थी सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, वेयर बी इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स, ए इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट एंड ए इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हमारे पास जो पी एक्स पॉलिनॉमियल है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है, और इसके जो जीरोज हैं वो भी अल्फा और बीटा हैं, ये जीरोज हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पहले आप रिलेशन निकाल लीजिए, यही दोनों रिलेशन निकाल लीजिए। तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको, माइनस बी बाई ए। तो देखिए माइनस साइन हो गया, बी क्या होता है, बी होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स, तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स यहाँ पर कितना है वन, और अपॉन ए होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी कितना है वन, तो वन अपॉन वन कितना हो गया, फाइनली आ गया माइनस वन। सेकेंड होता है हमारा कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो c अपॉन ए कितना आ जाएगा, यहाँ से c होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस टू, और a कितना है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो वन है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस टू। तो हमारे स्टूडेंट्स हमारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों मिल चुके हैं। अब जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें जो फाइंड करना है उस पर फोकस करते हैं, वो कितना है वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा बीटा, और बीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा अल्फा। तो दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, और अपॉन अल्फा इंटू क्या हो गया बीटा। अगर आप चाहें तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, आप माइनस साइन कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और अपॉन क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, आप इसे ध्यान दीजिए और ये बाकी क्वेश्चंस में भी आपकी बड़ी हेल्प करेगा। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। तो देखिए आप इसको एक्सप्रेस करिए, इसको एक्सप्रेस करिए और दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, देखिए अगर a और b को हम अल्फा और बीटा से रिप्लेस कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अल्फा इंटू बीटा। अब आप करिए क्या, देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है, इन दोनों की वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट करिए। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस वन होल स्क्वायर, माइनस अल्फा माइनस बीटा तो हमें नहीं पता है, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू है 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस टू, तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस टू। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और ये 4 2 कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 8। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स ये प्लस हो जाएगा, आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 9। तो रूट 9 यानी कि 9 का रूट होता है प्लस माइनस 3, यानी कि प्लस 3 भी हो सकता है और माइनस 3 भी हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हमारा जो वैल्यू हमें फाइंड करना था तो वो आप हम देखते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना था, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू अल्टीमेटली सॉल्व करके कितनी आई थी, माइनस अल्फा माइनस बीटा और अपॉन क्या था अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए पहला आंसर होगा हमारा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। जब आप यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू प्लस 3 लीजिए, तो प्लस 3 लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैंने कितनी ली प्लस 3, तो यहाँ से हो गया 3, और अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2। तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3/2। और सेकेंड सिचुएशन होगी जब आप यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, अभी हमने कितनी ली थी प्लस ली थी ना, अब हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू माइनस 3 लेते हैं। तो जब आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू माइनस 3 लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम माइनस 3 ले रहे हैं, तो यहाँ जाएगा माइनस 3 और अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 2। तो देखिए माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 अपॉन माइनस 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा -3/2। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा एक आंसर ये है, ये भी हो सकता है 3/2, और एक आंसर ये है -3/2। तो आपके ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
कि इफ़ द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसके थ्री जीरोज आपको दिए हुए हैं, देन आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक नोट है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए कि अगर आपके पास पी एक्स क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, और अल्फा बीटा और गामा इसके जीरोज हों, तो यहाँ से हम तीन चीज़ें जानते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सेकेंड होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। और लास्ट वन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। तो हम क्या करते हैं, हमारे इस क्वेश्चन में जो हमारा जो पॉलिनॉमियल दिया हुआ है वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन, इसके थ्री जीरोज हैं, एक ये है एक ये है एक ये है। तो हम सपोज करते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू ए एंड गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स, इस रूल के अकॉर्डिंग जो पहला रिलेशन हमारा आएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, यहाँ पर अल्फा कितना है ए माइनस बी, प्लस बीटा कितना है ए, और प्लस गामा कितना है ए प्लस बी, इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, बी क्या होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन तो ये रहेगा ही ये वाला, और बी क्या होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस थ्री, और अपॉन होता है ए, तो ए क्या है कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये बी से बी का आपका कैंसिल आउट हो गया, ए ए ए कितना हो गया थ्री ए इज इक्वल टू माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और वन से थ्री को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू मिलेगी वो कितनी आ गई वन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब आइए स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड रिलेशन होता है, तो सेकंड रिलेशन क्या होता है, या आप थर्ड रिलेशन से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए थर्ड रिलेशन थी हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है ए, और गामा की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी, इज इक्वल टू होता है आपका माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए हमारे पॉलिनोमियल में डी कितना है, देखिए माइनस साइन तो ये आ जाएगा, और डी कितना है कांस्टेंट टर्म वन, और ए कितना है कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब वो भी कितना है वन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ए की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, तो अगर आप चाहें तो ए की वैल्यू यहीं पर पुट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू हमने वन कर दी, तो वन माइनस बी हो गया, ये तो इंटू वन हो गया ए की वैल्यू, और इंटू वन प्लस बी हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस वन। तो देखिए ये हो गया वन माइनस बी इंटू वन प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस वन। तो यहाँ से हो जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन, यहाँ से हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन। तो यहाँ इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू आ जाएगा, यानी कि बी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट टू, क्योंकि हमेशा जो रूट होता है वो प्लस माइनस में होता है, वो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू भी हमें मिल गई है और जो बी की भी वैल्यू मिल गई हमें, प्लस माइनस कितनी मिल गई अंडर रूट टू। तो ये हमारे क्या हो गए, इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली समझ में आएगा, दोनों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू सो मच।